गुरुवार को ही यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए कमरों में लगाए गए सीसीटीवी व वॉइस रिकॉर्डर गुरुवार को सेकंड पाली में महानगर स्थित अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर में गृह विज्ञान की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। इस संबंध में विद्यालय प्रधानाचार्य रेमी यादव ने बताया कि जिसमें 113 बच्चों को परीक्षा देना था, जिसमें 111 बच्चे उपस्थित रहे, बाकी 2 बच्चे एब्सेंट रहे। वहीं नकल विहीन परीक्षा कराने के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रत्येक कमरे में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे परीक्षा में नकल ना हो सके। वहीं परीक्षार्थी छात्राओं ने पेपर देने के बाद अपनी खुशी गोरखपुर न्यूज संवाददाता से जाहिर की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थी छात्रा खुशबू भारती, पल्लवी शर्मा, रानी पाल और प्रधानाचार्य रेमी यादव ने कहा। खुशबू भारती, पेपर आज गृह विज्ञान का था, आज पेपर अच्छा हुआ, किसी चीज़ में मुश्किल नहीं हुई। सारी तैयारियाँ करके आई थी? यस सर। पल्लवी शर्मा, आज हम लोग का गृह विज्ञान का पेपर था और बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है हम लोगों का, और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने तो बहुत ही अच्छे से पेपर दिया, और मुझे आशा है कि सबने बहुत ही अच्छा पेपर दिया होगा गृह विज्ञान का, और मेरा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है गृह विज्ञान। मेरा नाम है रानी पाल, मेरा गृह विज्ञान का पेपर था और बहुत अच्छा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं पेपर देने में? नहीं, बहुत अच्छे से पेपर आया हुआ था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई है। बहुत अच्छा पेपर और बहुत सरल पेपर आया हुआ था। रेमी यादव, इसमें इंटर सेकंड पाली में इंटर गृह विज्ञान की परीक्षा चल रही है, जिसमें 113 बच्चे पंजीकृत हैं, 2 बच्चे एब्सेंट हैं, 111 बच्चे उपस्थित हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए क्या इंतजाम किए गए? नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रत्येक कमरे में डबल सीसीटीवी कैमरे हैं, वॉइस रिकॉर्डर हैं और सचल दस्ते हैं। कॉलेज में विद्यालय स्तर पर भी बनाए गए हैं, वो गेट पर ही बच्चों की चेकिंग करते हैं। सभी बच्चों से अनिवार्य रूप से उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड, प्रवेश पत्र लाने के लिए कहा गया है।